Assalam I hope you all will be fine. So in the last lecture we were discussing um, the topics from Hertzian uh, book. क्योंकि Hertzian की books से different topics like उनको discuss करे month by one. तो आज हमारा topic है वो होगा about the delimitation of language. तो delimitation of language को समझने के लिए जो criteria आज हमारे पास है वो है mutual intelligibility. Mutual intelligibility क्या होता है? इसको समझने के लिए इसका सबसे सादरी का ये है, हम कहते हैं कि एक बंदा है A और एक बंदा है B. अब वो दोनों डिफरेंट वैराइटीज़ बो रहे हैं ठीक है अगर तो एक दूसरे को समझ रहे हैं दूसरे को सुन के अंडरस्टैंड कर रहे हैं इट्स मीन के वो दोनों varieties जो हैं एक ही लैंग्वेज से कंसर्न है इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंटेजिबिलिटी अब ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत वाइडली यूज़ होता है लेकिन हम इसको सीरियसली नहीं ले सकते क्यों क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है एप्लीकेशन इसकी अगर हम बात करें तो हम तीन चार चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन इन तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि पॉपुलर यूजेज जो है वो इस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं होते फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि वाइटीज़ हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की तो वो हो सकता है आपस में अब हम कह रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज की वराइटीज़ हैं लेकिन फिर भी हो सकता है वो आपस में म्यूचुअली इंटेलिजिबल हो इसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है इसकेडियन लैंग्वेज़ की और ऐसा भी हो सकता है कि वो लैंग्वेज़ जिनको हम कह रहे हैं सेम हैं लेकिन वो म्यूचुअली इंटेलिजिबल ना हो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ सकती हैं कि डायलैक्ट्स ऑफ चाइनीज़ तो जो पॉपुलर यूजेज है रिफ्लेक्ट टू अदर डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रिस्टाइज, सो दैट इफ़ टू वाइटीज़ आर बॉस्ट अगर ऐसा है कि दो जो लैंग्वेज़ हैं वो स्टैंडर्ड हैं ठीक है मतलब दो डिफरेंट वो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं और क्या है कि वो सब ऑर्डिनेट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इट्स मीन कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी और अगर वो क्या होंगी कि सब ऑर्डिनेट टू तो सेम लैंग्वेज होंगी इट्स मीन कि वो सेम लैंग्वेज ही हमारे पास कंसर्न होंगी तो ये एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन हमारा जो आइडिया था चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में और इंडियन तो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि जो इंडियन हैं उनके पास सब कंट्रीज के पास एक अलहद सेपरेट स्टैंडर्ड है लैंग्वेज का लेकिन जो है हमारे पास चाइना उनकी सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी डिक्लेयर स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी इज़ अ मैटर ऑफ़ डिग्री रेंजिंग फ्रॉम टोटल इंटेलिजिबिलिटी डाउन टू तो टोटल अन इंटेलिजिबिलिटी अब इस पॉइंट को समझने के लिए ये है कि म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है टेन जीरो परसेंट फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम कह रहे हैं कि टोटल इंटेलिजिबिलिटी उसको हम ले ले लेते हैं जीरो परसेंट और अन इंटेलिजिबिलिटी हम को कह देते हैं कि हंड्रेड परसेंट ठीक है <coughs> मतलब इंटेलिजिबिलिटी को हमने कह दिया फॉर एग्जांपल हंड्रेड परसेंट और अन इंटेलिजिबिलिटी को हमने कह दिया जीरो परसेंट तो हमेशा जो इंटेलिजिबिलिटी हम उसको हम इस तरह काउंट करेंगे कि या तो पूरी है इंटेलिजिबिलिटी किसी दो वैरटी के दरमियान या फिर बिल्कुल नहीं है उसके दरमियान का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि हम कहें कि नहीं थोड़ी सी कम है मीचर इंटेलिजिबिलिटी नहीं थोड़ी सी, सी ज़्यादा है मतलब टेन परसेंट है ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी तो ये हमारा कंसर्न कभी भी नहीं होगा कि हम इसके दरमान चलें या तो हम कहेंगे कि इंटेलिजिबिलिटी है या फिर हम सीधा कहेंगे कि इंटेलिजिबिलिटी नहीं है ठीक है उसके बाद जो थर्ड टॉपिक पॉइंट इसमें आ जाता है हम कहते हैं कि वैराइटीज जो अरेंज होती हुई होती हैं वो एक डायलेक्ट डायलैक्ट में होती है अब डायलेक्ट कॉन्टीन्यू क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है ये चेन होती है एडजेसेंट वैराइटीज़ की जिसमें हर जो पेयर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप वैराइटी ए बी सी डी ई एफ तक ठीक है तो ए और बी का जो पेयर है वो दोनों एक दूसरे से सेम लैंगज होंगी देन बी और सी मतलब सारे जो पेयर वाइज सारी जो लैंग्वेज की वाइटीज़ होंगी वो आपस में म्यूचुअली इंटेलिजिबल होंगी लेकिन अब हमने क्योंकि तो फॉर एग्जांपल एफ़ तक बात की ए से एफ लेकिन जब हम इनके एंड पेयर लेंगे फॉर एग्जांपल ए और एफ़ को तो वो कभी भी आपस में इतनी ज़्यादा म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं होंगी अब जो हमने क्राइटेरिया रखा है म्यूचुअल इंड का वो बेस किया जाता है जो हमने बात की है ए बी ओ सी वाली वो रिलेशनशिप के ऊपर बेस करता है कभी भी सेमनेस के ऊपर बेस नहीं करता फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए जो लैंग्वेज है वो बी के बिल्कुल सेम है और जो बी है वो सी की तरह लैंग्वेज है तो फिर ये भी तो होना चाहिए कि जो ए है वो सी के जैसी हो लेकिन ऐसा नहीं होता तो जो सेमस सेमनेस ऑफ लैंग्वेज की जो हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एक दूसरे से तो बिल्कुल सेम होती हैं वो एक ट्रांजिटिव ग्डौनि रिलेशन है यानी ए इज़ इक्वल टू तो बी बी इज़ इक्वल टू तो सी लेकिन जो म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी हमने कहा कि रिलेशन होता है तो वो इंट्रॉज़िटिव रिलेशन है कैसे इंट्रॉजिटिव है यानी कि ए इज़ इक्वल टू तो बी इज़ इक्वल टू तो सी हम फॉर एग्जांपल कहते हैं तो इसमें ऐसा होगा कि ए विल नॉट बी इक्वल टू सी तो ये इंट्रॉज़टिव रिलेशन होता है उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास आता है कि म्यूचुअल इंटिलजिबिलिटी रिलेशन वाइटीज़ के दरमियान नहीं होता बेसिकली ये लोगों के दरियान रिलेशन होता है कि लोग एक दूसरे को कितना समझना चाह रहे हैं ठीक है लोगों की क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है अगर तो फॉर एग्जांपल ए एक बंदा ए है और एक बी है ए जो है वो बी को समझना चाह रहा है उसका इंटरेस्ट है उसकी मोटिवेशन है तो वो बी को समझ समझ सकेगा ठीक है जिस तरह बी का इंटरेस्ट है तो वो समझ लेगा और दूसरी चीज़ आती है कि अगर एक एक्सपीरियंस है ज़्यादा मतलब उसने बार बार बी की लैंग्वेज को सुना है बार बार सुन रहा है तो वो उस लैंग्वेज को आसानी से समझ लेगा लेकिन इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है इस मेथड में भी कैसे प्रॉब्लम आती है क्योंकि हो सकता है कि जो फॉर एग्जाम्पल ए बंदा है वो इंटरेस्ट ले रहा है बी को समझने में लेकिन जो बी वाला है ही इज़ नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट इन दैट तो उसको समझना आसान नहीं होगा इस तरह फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि किसी इलाके के नॉन स्टैंडर्ड स्पीकर्स हैं उनका वास्ता पड़ता है स्टैंडर्ड स्पीकर से किस तरह स्टैंडर्ड स्पीकर फॉर एग्जांपल न्यूज़ सुनने में पढ़ने में तो वो आसानी से स्टैंडर्ड स्पीकर को समझ लेते हैं लेकिन स्टैंडर्ड स्पीकर जो है वो क्योंकि उनका इतना वास्ता नहीं पड़ता नॉन स्टैंडर्ड स्पीकर से तो वो उसको समझ जितना आसान नहीं होता तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंटेलिजिलिटी को कभी भी हम एज अ क्राइटेरिया नहीं ले सकते फॉर डीलिमिटिंग लैंग्वेज इन द साइज़ ऑफ सेंस और एनीथिंग एल्स ठीक है और सर्च फॉर लैंग्वेज बाउंड्रीज सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है ठीक है इसमें कभी भी हम लैंग्वेज को डिलिमिट नहीं कर सकते